नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। आज 4 जुलाई 2023 सावन के पवित्र महीने के पहले दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर चढ़ा देना, ये गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, वर्षों में मिलता ऐसा सुनहरा मौका। दोस्तों आज से सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। आज 4 जुलाई 2023 से जितने भी शिव भक्त होंगे वो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाएंगे। वो भगवान भोलेनाथ के सामने विभिन्न विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ करेंगे, उपाय करेंगे ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको शिवपुराण के उन 5 खास चीजों के बारे में बताने आ रहे हैं जो अगर आप सही तरीके से विधि विधान से भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं तो इन चीजों को अर्पित करने के बाद मान के चलिए आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी और आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से तुरंत ही प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन सावन के पवित्र महीने के बारे में कहा जाता है कि इस दौरान भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में भी कहा गया है कि मनुष्य के पास सावन का पवित्र महीना सबसे अच्छा मौका होता है जब वो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आज के दिन आप वेद पुराणों के बताए हुए उन चीजों को भगवान भोलेनाथ के सामने अर्पित करेंगे जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं तो दोस्तों यकीन मानिए, मान के चलिए आपको भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलेगा कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। माना जाता है कि अगर आप अपने सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी जरूर सुनते हैं। भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवताओं के भक्तों की संख्या से बहुत ज्यादा अधिक है। वहीं सावन के महीने में यदि भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा पाठ की जाए तो उनका आपको विशेष फल मिलता है। मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। बस दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक अंत तक देखिए। हम शिव पुराण के अनुसार आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आज आपने कर लिया 2-4-5 मिनट का समय निकाल करके तो पूरे काल आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे होंगे, किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे होंगे, महादेव के आशीर्वाद से आपको अपने दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि महादेव अगर किसी को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ अपने हर भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं। वो कभी भी ये नहीं देखते हैं कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है कि राक्षस है, भूत है कि प्रेत है, कि किस योनि का है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ सिर्फ भक्तों की श्रद्धा को देखते हैं और तुरंत ही अपने भक्तों पर कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। वैसे तो आप लोग ने ये सुना ही होगा दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को अगर कोई व्यक्ति एक लोटा जल भी चढ़ा दे तो भगवान भोलेनाथ इतने से ही बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रयोग होता है और अगर इस सावन के पवित्र महीने में आप भगवान भोलेनाथ जी की विधि विधान से पूजा करेंगे और खास तौर से सावन के पवित्र महीने के पहले दिन आप भगवान भोलेनाथ को जो भी अर्पित करेंगे तो उसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, जिन उपायों के बारे आपको बताने आ रहे हैं इन उपायों को अगर आज आपने कर लिया, वह चीजें आपने विधि विधान से भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दी जिसके बारे में शिवपुराण में वर्णन है, तो आपको अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, भगवान भोलेनाथ का आपको वो आशीर्वाद मिले कि आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।
और दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपके राशि के अनुसार सावन के इस पवित्र महीने के दौरान कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसको करके आप लाभ पा सकते हैं, जिससे आपको कोई फायदा मिल सकता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा मिल सकती है, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में जो भी दोष है उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाए, आपकी नौकरी लग जाए, आपका व्यापार चल जाए और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों आज आपको दूर्वा घास भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना होगा। किसी भी शिव मंदिर जाके माना जाता है दोस्तों, दूर्वा घास अर्पित करने से आज के दिन आपका बुध ग्रह इतना मजबूत हो जाता है कि आप जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचता है। दूसरी तरफ अगर आप अपने जीवन में बहुत सारे कष्टों से घिरे हुए हैं, मानसिक परेशानी बहुत से बहुत परेशान है, आप चाहते हैं कि आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों से परेशानियों से हाथों हाथ आज ही के दिन मुक्ति मिल जाए, तो आज भगवान भोलेनाथ का अभिषेक आपको कच्चे दूध से करना होगा। इतना आज के दिन अगर आपने कर दिया तो जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं, भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात्काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से दूर चला जाए, तो आज यह उपाय कर लीजिएगा जो आपको हम बताने आ रहे हैं। और आज के दिन किया गया यह उपाय आपके जीवन में और आपके भाग्य में चमक लाकर के रख देगा। आपको क्या करना है, आज पूरे दिन में कभी भी सुबह से लेकर के शाम के बीच में नहाइएगा धोइएगा, एक लोटा जल लीजिए और आपको चार दाने चावल के लेने होंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चावल के दाने टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। चावल को हमारे हिंदू धर्म में अक्षत बोला जाता है, जो कई देवी देवताओं की पूजा में इस्तेमाल होता है, जैसे भगवान भोलेनाथ जी की भी पूजा में इस्तेमाल होता है चावल। अब आपको क्या करना है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर अपना मुंह उत्तर की तरफ कीजिए, भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल अर्पित कीजिए और चार चावल के दाने भगवान भोलेनाथ का अर्पित कर दीजिए। इतना भर अगर आज के दिन आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों हमेशा आपका भाग्य साथ देगा और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष बहुत ही ज्यादा प्रिय है, शायद ये बात आपको ना पता हो, भगवान भोलेनाथ के जब आंसू धरती पर गिरे थे तभी रुद्राक्ष की उत्पन्नता हुई थी। कहा जाता है कि अगर कोई भी सावन के इस पवित्र महीने के पहले दिन भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दे या रुद्राक्ष की माला को धारण कर ले, तो इससे उस व्यक्ति के जीवन में आने वाली समस्त प्रकार की समस्याएं, रोग शोक और भय से उसको मुक्ति मिल जाती है, उसके जीवन में सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप अपने पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, तो बस आज यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे हैं। आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें 108 काले तिल के दाने डालने हैं और इससे भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर अभिषेक करना है। इतना भर अगर आज के दिन आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, ना केवल आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, बगल की भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन के समस्त प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं वो आज्ञाकारी बने, उसके कुल का नाम रोशन करें, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो आपकी बात नहीं मानते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो इतने बदमाश निकल जाते हैं जिनके चलते आपका सर समाज में झुक जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके बच्चे आज्ञाकारी बने, आपकी हर बात सर झुका करके माने, तो आज आपको क्या करना है, बस आज के दिन दोस्तों आप लोग गाय के दूध से बने हुए घी का इंतजाम कर लीजिए और इसी से किसी भी शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए। आज के दिन अगर आपने यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों,
भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके बच्चे आज्ञाकारी बनेंगे, आपकी हर बात मानेंगे और आपके कुल का नाम रोशन करेंगे। अब इसी तरीके से मान लीजिए आप लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, आप बड़ा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए। सिर्फ आज यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे हैं, और जो लंबे समय से आप बीमारी से जूझ रहे थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको बस क्या करना है दोस्तों, पूरे दिन में आज के दिन आप लोग एक धतूरे का इंतजाम कीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए और भगवान भोलेनाथ को धतूरा अर्पित कर दीजिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इतना भर अगर आज के दिन में आपने कर लिया, जिस बीमारी से आप बड़ा परेशान हैं, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस बात पर कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मान लीजिए दोस्तों आपकी कोई मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो आज के पूरे दिन में आप एक काम कीजिएगा, 21 बेलपत्र तोड़ दीजिएगा। 21 बेलपत्र तोड़िए, उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख दीजिए और ये भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। आज भर में ये उपाय आप कर लीजिएगा और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अवश्य ही अवश्य जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर जब भी बेलपत्र चढ़ाया जाता है तो ये भगवान भोलेनाथ की आपको असीम कृपा प्राप्त होती है। अब मान लीजिए दोस्तों आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा ग्रह कलेश होता है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, तो दोस्तों शहद जानते हैं आप लोग जिसको हानि बोला जाता है इंग्लिश में, इससे भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए और शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए, इतना कर दीजिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी और आपके घर में मिठास भी आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।